अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपकी शेफ़ SNJ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार एक डिश लेके आई हूँ। ये है खशखाश की भुजिया और ये बहुत मज़े की होती है। गर्मियों में खशखाश ठंडी होती है तो बहुत फ़ायदा भी देती है। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दीजिए। आपको की सपोर्ट जो है वो मेरे लिए बहुत मैटर करती है। तो चलें इंशाल्लाह अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। ये 100 ग्राम की खशखाश की हम भुजिया बना रहे हैं। तो बाकी इंग्रेडिएंट्स मैं आपको कुकिंग के दौरान बताती हूँ। जी नाज़रीन, हम अपनी कुकिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम पैन में तेल डाल रहे हैं। ये तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने इसमें तेल डाला है। इससे कम आप नहीं डालें, थोड़ा अगर बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले हम इसमें प्याज शामिल करेंगे। ये एक बड़ी प्याज है। जैसे ये हल्की सी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, वैसे ये हो चुकी है। अब इसमें मैं ये टमाटर, 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। आँच आपने मीडियम टू लो रखनी है, बहुत तेज़ भी नहीं रखनी है और बहुत हल्की भी नहीं। टमाटर डाल के थोड़ी सी आँच तेज़ कर लें, हाई टू मीडियम के दरमियान, क्योंकि हल्की आँच पे टमाटर अपना पानी छोड़ देता है, हमें वो पानी नहीं चाहिए। जब टमाटर थोड़े कुक हो जाएं, तो हम आँच को फिर लो टू मीडियम करेंगे। ये नाज़रीन, हमने आँच को लो टू मीडियम कर दिया है और अब मैं इसमें मसाले शामिल करूँगी। 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च जाएगी, 1 चाय का चम्मच नमक और 1 चाय का चम्मच ही हम इसमें हल्दी शामिल करेंगे। बहुत कम मसाले हैं। ये नाज़रीन देखें, मसाला पक गया है। अब हम इसमें खशखाश शामिल करेंगे जो हमने पीस के रखी है। ये देख सकते हैं आप, ये आप ग्राइंडर जार जो होते हैं, जो मसाला पीसने वाले, उनमें डाल के आप आराम से पीस सकते हैं। इसको साफ़ करने का तरीका मैंने आपको बता दिया है और आई बटन में भी डाल दूंगी, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया जाएगा, तो आप उसमें से देख के इसको साफ़ करके ही बनाइएगा। इसको बगैर साफ़ किए बिल्कुल नहीं बनाइएगा। जी नाज़रीन, ये देखिए, ये खशखाश हमारी तैयार हो गई है। अब हम इसमें अंडे शामिल करेंगे। 4 अंडों को आप फेंट लें एक प्याले में और फिर उसको अच्छी तरह, ये देखिए, ये मैं दिखा रही हूँ आपको, और फिर उसको फेंट के इसमें शामिल कर दें। जी नाज़रीन, ये अंडे डाल दिए हैं मैंने और अब मैं इसको स्लो फायर पे पकाऊंगी। अच्छा, दूसरे साथ में आपने ये हरी मिर्चें हैं, ये ऑप्शनल हैं, या आप ना डालना चाहें तो नहीं डालें। 2 छोटी हरी मिर्चें थी जो मैं इसमें डाल दूँगी। अंडे थोड़े से जब पकने लगेंगे तो फिर मैं इसमें ये हरा धनिया, ये जितना आपकी मर्ज़ी चाहे डाल सकते हैं, कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। लीजिए नासरीन, मैंने चूल्हा बंद कर दिया। मज़ेदार खशखाश की भुजिया तैयार है। मैं अब आपको इसको सर्व करके दिखा देती हूँ। लीजिए नासरीन, मज़ेदार खशखाश की भुजिया तैयार है। ख़ुद भी बनाएं, औरों को भी सिखाएं, इंजॉय करें। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।